Subscribe and press the bell icon so you never miss any video from MN Mass Intelligent. Assalamualaikum friends, welcome back to my channel MN Mass Intelligent. So, आज की recipe delicious and yummy समोसों की है, जिसके अंदर हम minced यानी कि कीमे की filling करेंगे beef के. तो चलें इस recipe को start करते हैं. ये देखिए कितना soft and crunchy बना है और अंदर से भी बहुत yummy है. और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हमने एक पैन में 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है और इसको थोड़ी देर के लिए वार्म होने के लिए छोड़ देना. जब ये थोड़ा हल्का सा वार्म हो जाए यानी कि गर्म हो जाए तो इसमें हमने अपना कीमा ऐड करना है जो कि है 200 ग्राम के करीब. फिर उसके अंदर हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है. जिंजर गार्लिक पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब डालें और इसको कैप लगा के पकने के लिए छोड़ दें. जब ये हाफ कुक्ड हो जाए तो इसके अंदर चॉप ग्रीन चीज़ डालेंगी. यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ की ली थी तो वो कट करके रखी है. और यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स ऐड हुए 1 टीस्पून के करीब और साथ ही में टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर. ये ऐड करने के बाद इसमें कोरिएंडर पाउडर भी ऐड होगा और उसके बाद इसमें होगा नमक. इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें. मिक्स करने के बाद इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड होगा 1/4 टीस्पून के करीब और इसको दोबारा से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके और इसको मीडियम लो हीट पे ही 5 मिनट्स के लिए कुक होने के लिए छोड़ दें. फिर उसके बाद आप इसके अंदर कोरिएंडर डालेंगे रोस्ट हुए हुए और क्यूमिन और साथ में इसके अंदर हम डालेंगे प्याज जो कि चॉप्ड हुई भी है यानी कि नॉर्मल साइज़ की मतलब बारीक साइज़ की कटी हुई है और इसको हमने ऐड किया है. इसके बाद मिक्स करने के बाद इसको फिर से 5 मिनट के लिए कवर करके ऐसे ही मीडियम टू हीट पे करेंगे. फिर उसके बाद हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स और लीव्स मेंट लीव्स ऐड करने के बाद यानी कि पुदीना और इसको ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है. अब इसकी फिलिंग कर लेते हैं समोसों के अंदर. समोसे की पट्टी इस तरह से है और इसके अंदर फिलिंग उतनी ही करनी है जितनी हो जाए. अगर आप ज़्यादा इसके अंदर ऐड करेंगे इसको भर देंगे तो ये समोसा फट जाएगा, इसीलिए इसमें कम फिलिंग करें लेकिन बहुत कम नहीं, नॉर्मल. और ये ध्यान रखें कि इसकी फिलिंग साइड तक जानी चाहिए ताकि हर बाइट में फिलिंग आए. और उसके बाद इसको लई कहते हैं तो इसको आप तीनों कॉर्नर्स पे लगा दें ताकि आपके जो समोसे उसके अंदर ऑयल ना भरे. और देखें कि इतना जितना हमारा मिक्सचर था उसके अंदर ये सारे समोसे रेडी हो चुके हैं और ये हम फ्रीज़र बैग्स में डाल के पूरे रमज़ान के लिए स्टोर भी कर सकते हैं. ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है इसलिए अब इसको फ्राई कर लिया. फ्राई का स्टेप सबको आता है इसलिए मैंने दिखाया नहीं है. और इसके बाद ये देखें ये से मज़ेदार से और डिलीशियस यमी एंड टेस्टी आप लोग के समोसे रेडी हो चुके हैं. इसको जल्दी जल्दी रेडी कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर दिखाइए. इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. और अगर आपने मेरी रोल की रेसिपी नहीं देखी है वो भी रमज़ान स्पेशल है तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर देती हूँ. जल्दी से क्लिक करें और उसको भी जाके देखें और लाइक कमेंट शेयर करें. चलें अल्लाह हाफिज़. आज की रेसिपी सिर्फ इतनी ही थी.